हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 जुलाई 2021 से डायरेक्ट टैक्सेशन में कुछ नए सेक्शन आ रहे हैं जो कि आपके बिजनेस को हिट कर सकते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो समझना है कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्या उसकी डिटेल है, बिल्कुल आसान सी भाषा में हम लोग समझेंगे और कैसे एप्लीकेबल होगा। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भैया, बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो कौन सा सेक्शन लगाए, टीडीएस डिडक्ट करें या टीसीएस को कलेक्ट करवा दें। तो दोनों ही चीज़ों को समझेंगे, साथ के साथ जो दो नए सेक्शन हैं कि टीडीएस एट हायर रेट 206 AB और टीसीएस एट हायर रेट 206CA, इन दोनों सेक्शनों को कैसे ट्रीट करना, हमने ओवरऑल चारों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहे हैं। 194Q टीडीएस ऑन परचेज, जो कि परचेज के ऊपर टीडीएस की हिस्ट्री में पहली बार आ रहा है कि गुड्स की परचेज के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। दूसरा सेक्शन उसी से रिलेटेड है, 206AB, जो कि टीडीएस एट हायर रेट है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो 206C1H, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू था, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो कि सेलर कलेक्ट करता था, और उसी से रिलेटेड है सेक्शन 206CCA, टीसीएस एट हायर रेट। चारों सेक्शन को बड़े आसानी से समझेंगे और उसको लेके जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हालांकि मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरे आने से पहले यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं, बट अपना भैया रूल है कि कुछ एक्स्ट्रा और बेनिफिशियल चीज़ को लेके आना। सो इस वीडियो के बाद आपको सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे कि कब एप्लीकेबल होना है, कौन सा एप्लीकेबल होना है। और जैसा कि अभी टीडीएस और टीसीएस हायर रेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर कैसे चेक करेंगे उसके पैन कार्ड को कि उसने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, उसका 50,000 से ज़्यादा टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट या डिडक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब कैसे चेक करेंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल आसान। तो चलिए भैया, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि टीडीएस 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, बट फिर भी जो नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं भैया 194Q, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, और 206C1H, जो कि ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुका है। इन दोनों सेक्शन को देखने में ऐसा लगता है कि एक से हैं, पर दोनों को लाने का मतलब बिल्कुल अलग है। सिंपल वर्ड में समझो भैया, 194Q जब लागू होगा, जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, जब आपका टर्नओवर मतलब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, और जिससे उसने माल खरीदा वो उसने 50 लाख रुपये से ज़्यादा का उससे माल खरीदा, तो वो टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले को पेमेंट करेगा, एक्सीड्स अमाउंट पर डिडक्ट करेगा। हमेशा याद रखना, ये थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये एग्जम्पशन है। थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जम्पशन में अंतर होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस होती है तो आपको होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ता है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 50 लाख रुपए एग्जम्पशन है, 50 लाख रुपए से ऊपर की एक्सीड्स अमाउंट के ऊपर जो है आप टीडीएस को डिडक्ट करोगे 0.1% के हिसाब से। टीसीएस क्या भैया, टीसीएस में सेलर को हिट करा गया है। अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो भैया सेलर ने अगर किसी को माल बेचा था और उससे पैसा प्राप्त हुआ, ये थोड़ा सा अलग है, हट के है, इसमें रिसीप्ट के बेस था, ये रिसीप्ट बेस था कि अगर जो आपने गुड्स को बेचा, मान लो 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, आपके पास अगर अभी 49 लाख ही आया तो टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, रिसीप्ट बेस है, बट ऐसा प्रैक्टिकल देखने को कम मिला है। प्रैक्टिकली क्या है, अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसने माल बेचा, तो वो इनवॉइस के ऊपर ही टीसीएस को कलेक्ट कर लेता, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया ऐसे नहीं कहानी चलती है। अकाउंटिंग करने के लिए ना बड़ी दिक्कतें होती हैं, रिसीप्ट बेस आप करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, आपको इनवॉइस बेस ही करना पड़ेगा, इनवॉइस बेस आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो सभी ने जो है उसको इनवॉइस बेस लगाया था, हालांकि जब ये सेक्शन आया था तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको रिसीप्ट बेस कहा, बट हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने बोला था इनवॉइस बेस, उसके ऊपर तमाम कमेंट भी आए कि सर आप गलत बता रहे हो। पैसा गलत बता रहे हो तो मेरी पढ़ाई मेरे पास छोड़ दो, आप अच्छी वाली ले लो, जो मेरे को प्रैक्टिकल लगता है वो मैं तो केवल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें गलत और सही जो है सो डिसीजन आपका अपने आप है, ये हमारे डिक्लेरेशन में भी लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिक्लेरेशन दिया हुआ, भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके सलाह ले लो। हमारा काम है प्रैक्टिकल, जो प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, हम कुछ ना तो सिखा रहे हैं ना बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी वो आपके साथ फेस कर दी। तो समझ में आया भाई साहब, 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, 206C1H टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, इसमें बायर रेट होता है, उसमें सेलर रेट होता है। एग्जाम्पल से समझो भाई साहब, या दोनों सेक्शन को अलग अलग लाने की जरूरत क्या पड़ी, एग्जाम्पल से समझ लो छोटा सा। अगर बायर का टर्नओवर 60 लाख रुपए का है, सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपए का है, और इसी सेलर से उस बायर ने जिसका टर्नओवर 60 लाख है, इससे 50 लाख से ज्यादा का माल लिया, तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा 206C1H, मतलब टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, मतलब सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से
बायर से पैसा गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा तो बायर के 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, 26AS में रिफ्लेक्ट होगा तो वो अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा। तो इसमें मेरे भाई कौन हिट हो गया, इसमें सेलर को पकड़ लिया गया, इसमें छोटे बायर को पकड़ लिया गया। सेकंड में भाई साहब बायर का टर्नओवर अगर 11 करोड़ रुपए का है, सेलर छोटा, पहले बायर बड़ा, पहले सेलर बड़ा था बायर छोटा था, अब बायर बड़ा सेलर छोटा, तो सेक्शन लग जाएगा 194। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। कौन सी वाली सर? टर्नओवर बायर का 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सेलर ने इसी बायर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीद लिया, तो भैया ये जो बायर है इसके बिलों के ऊपर जब इसको पेमेंट करेगा तो TDS काट के पेमेंट करेगा, सेक्शन लगेगा 194 क्यू, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू है। तीसरा, मैंने वैसे ही बताया था कि अगर दोनों का टर्नओवर 5-5 करोड़ रुपए हो तो कोई सेक्शन लागू नहीं हुआ था। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर दोनों का टर्नओवर 10-10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो कौन सा लागू होगा, भाई सब बिल्कुल बताएंगे इसी वीडियो में, बल्कि मैं एक केवल इसी का सॉल्यूशन ही दूंगा, दूसरे का भी सॉल्यूशन दूंगा जो कि TDS एंड TCS एट हायर रेट है, उन दोनों के सॉल्यूशंस को पकड़ेंगे। तो चलो आगे की तरफ मूव करते हैं, वीडियो में पूरा बने रहना। हाँ जी, तो ये कंपैरिजन है पूरा, इसको मैं पूरा नहीं बता रहा, ये चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे भाई क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, सर्च करो टेलियोम इंस्टीट्यूट, 15,000 से ज्यादा ऑलरेडी अकाउंटेंट भाई बहन वहां पे जुड़े हुए हैं, वहां पे जाके आपको ये PDF पूरा का पूरा फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, नटशेल में मैंने आपको बता दिया है कि भैया TDS 194 क्यों जब लागू होगा, जब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, और T06C1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स कब लागू होगा, जब सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा। क्वेश्चन आता है दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो पहले कौन चेपेगा, पहले कौन लगाएगा, तो वो मैं उसका सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। चलो इससे पहले आगे चलते हैं, 206AB और 206CA, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 206AB किससे, TDS एट हायर रेट, और 206CCA TCS एट हायर रेट, मतलब गवर्नमेंट का कहना है भाई साहब अगर आपने TDS काटना है तो संभल के काटना। कैसे काटना भाई साहब? संभल के काटना, कहीं आपको डबल तो नहीं काटना था या ज्यादा तो नहीं काटना था, या फिर TCS को कलेक्ट करना तो संभल के करना। मतलब अगर बात करें 194C के अंदर जैसे कि 1% है तो भाई साहब 1% नहीं काटना आपको प्रोप्राइटरशिप वाले में, जैसे हम बताएंगे वैसे करना। आपने पूछा सर कैसे करें भाई साहब, ये कौन सी नई फफूंद है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब 1 जुलाई से नई फफूंद आने वाली है। वो क्या है? वो ये है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर आपको TDS डबल रेट से काटना पड़ेगा या हायर रेट जो होगा उसके हिसाब से काटना पड़ेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अभी डिस्कस करा वो हम आगे बात करेंगे। ओवरऑल TDS और TCS को डिडक्ट या कलेक्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जिससे आप TDS को काट रहे हो या जो TCS जिससे कलेक्ट कर रहे हो कहीं वो स्पेसिफाइड पर्सन तो नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब स्पेशल बंदा तो नहीं है भाई, कोई स्पेशल से बनता है स्पेसिफाइड, स्पेशल से क्या बनता है स्पेसिफाइड, कोई मुख्य रूप का आदमी तो नहीं है सर, ये मुख्य रूप कौन सा भाई साहब, तो समझो मेरे भाई ये कौन है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका आपको TDS एट हायर रेट पर डिडक्ट करना पड़ेगा या TCS को एट हायर रेट पर कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्शन आया 206AB 206CA। कौन से हैं सर वो स्पेसिफाइड पर्सन, अभी बात करते हैं, पहले रेट समझ लो दोनों के। 206AB द्वारा बता रहा हूं, थंबनेल में भी लिखा था TDS एट हायर रेट, 206CA TCS एट हायर रेट। सर हायर रेट कितना लगेगा? हायर रेट सुन लो भाई सब, TDS वाले सेक्शन में, TDS एट हायर रेट वाले में, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मान लो अगर आप 1% काटते हो 194C में इंडिविजुअल वाले केस के अंदर, अदर देन इंडिविजुअल में 2 काटते हो तो 1 काटते थे तो फिर उसका डबल काटोगे, 2 काटते थे तो उसका डबल 4 काटोगे, या फिर इन तीनों में जो हायर होगा, या फिर एट हायर एट द रेट ऑफ 5%, जो इन तीनों में हायर होगा। यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, यहाँ लिखा है टू फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन द फॉलोइंग टैक्स शैल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट हायर ऑफ द रेट। मान लो 194C के अंदर 1% फॉर इंडिविजुअल, 2% फॉर अदर देन इंडिविजुअल, वो पर्सन जिसका आप TDS काट रहे हो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है और TDS का रेट 1% है तो उसका डबल ट्वाइस कितना बनता है? 2%, पर आप 2% नहीं काटोगे, आप मेरे भाई कितना काटोगे? 5% काटोगे। कितना काटोगे? 5% काटोगे। तो उसकी गहराई को समझना। मान लो आपका 194J है या 194H है, 194H में 5%, 194J में 10%, अगर 5% है तो उसका डबल 10%, तो 5 नहीं काटोगे, कितना काटोगे? डबल 10%, क्योंकि क्या लिखा है? The following tax shall be deducted collected at higher of the rate, higher side जो होगी, तो 10% भैया 5% से ज्यादा होता है इसलिए 10% काटोगे। और अगर 2% काटते हो 194C में तो 2 का दुगना 4 बनता है, तो 4 नहीं काटोगे, 5% काटोगे, मतलब इन तीनों में से जो हायर बनेगा। सेम ही सिचुएशन आपकी
206CCA के अंदर है, हायर साइड में आपको जो है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। सर स्पेसिफाइड पर्सन बताओ, अब स्पेसिफाइड पर्सन सुनो कौन है। हालांकि ये सेक्शन बहुत कम लोगों को हिट करेगा, बट 194 और 2061H जो थे वो दोनों सेक्शन काफी लोगों को हिट कर रहा है ऑलरेडी। 1 अक्टूबर से जो है वो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स आ गया था, 1 जुलाई से 2021 से जो है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स आएगा। ये काफी लोगों को जो है वो हिट करेगा, मतलब काफी लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, बहुत ही कम, मान लो 1-8% ही कोई ऐसा केस होगा जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। तो समझो स्पेसिफाइड पर्सन, सेक्शन 206AB 206CCA आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। हर किसी के ऊपर नहीं लगेगा ये सेक्शन, हर किसी के ऊपर नहीं लगेगा। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है भाई साहब, सुनो, जो इन तीनों कंडीशन को पूरा करे। नाउ स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन सेटिस्फाइंग ऑल द बिलो मेंशन कंडीशन बट शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट। भैया विदेशी का मत काट देना, ठीक है, विदेशी इसके अंदर नहीं आता है, विदेशी NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं आता है, तो नॉन रेसिडेंट इस केस में नहीं आता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इंडियन रेसिडेंट इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है तो उसके ऊपर आपको TDS और TCS हाई रेट पे कलेक्ट करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो कंडीशन वन, कि अगर उस पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लगातार 2 साल की फाइल नहीं की है और आप उसका TDS काट रहे हो, उस पर्सन ने अगर अपने लगातार 2 साल की रिटर्न को फाइल नहीं किया और अगर आप उसका TDS काट रहे हो तो भाई साहब हायर साइड काटोगे। बट दोनों कंडीशन अभी जो और आ रही है वो पूरी होने पर केवल ये नहीं देखोगे कि इसने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की, इस केस पे नहीं। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन क्या है कि द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न ऑफ इनकम हैज एक्सपायर्ड। भाई साहब टाइम लिमिट एक्सपायर्ड है, ऐसे नहीं आप 2 साल देख लो, मान लो 2021 का आप देख लो, अभी हम 2021-22 में खड़े हैं, हम जिसका TDS काट रहे हैं हमने देखा यार तूने तो 2 साल की रिटर्न नहीं फाइल की, तो वो कहेगा भाई ऐसा तो नहीं है मैंने तो की। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो डेट जिस फाइनेंशियल ईयर को आप देख रहे हो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी होनी चाहिए। जैसे अगर 2021 की बात करूं तो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, अगर आज की तारीख में 1 जुलाई के बाद अगर आप किसी का TDS या TCS को कलेक्ट या डिडक्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 देखना पड़ेगा, बिकॉज 2021 की डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है। तो ये हमेशा याद रखना, वो फाइनेंशियल ईयर देखने जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसने रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसने रिटर्न नहीं फाइल किया। तो पहली कंडीशन 2 साल की रिटर्न नहीं फाइल की, दूसरी कंडीशन वो रिटर्न जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, तीसरी कंडीशन कि भैया उन 2 सालों के अंदर जिन 2 साल की उसने रिटर्न फाइल नहीं की है उन दोनों साल के अंदर उसका TDS का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए या 50,000 रुपए तक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो आपके ऊपर ये दोनों जो बढ़िया बढ़िया सेक्शन ऊपर लिखे हैं 206AB और 206CCA एप्लीकेबल होंगे और आपको उसका TDS या TCS एट हायर रेट पे आपको कलेक्ट या डिडक्ट करना पड़ेगा। दोबारा समझ लो भाई साहब, कंडीशन वन 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल की उसने और उन इनकम टैक्स रिटर्न को जिनको आप देख रहे हो उनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी होनी चाहिए, और तीसरा उन दोनों साल के अंदर उसका जो TDS या TCS का पैसा जो है वो 50,000 या उससे ज्यादा हो। अब आप खुद ही सोच लो भाई साहब ये कितने लोगों को टारगेट करेगा, कितने लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बहुत ही कम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जिनका TDS या TCS 50,000 रुपए कलेक्ट या डिडक्ट हुआ है और उन्होंने अपने रिटर्न को भी फाइल नहीं किया हो। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनका खुद का नुकसान है, वो TDS या TCS का पैसा अपना मरवा रहे हैं या फिर जो उनकी वर्थ बननी थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो नहीं बन पा रही है। सो ऐसा बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, इस सेक्शन के कुछ और भी दूसरे पहलू हैं जो कि जिनके ऊपर लागू नहीं होता, हर किसी के ऊपर जाके नहीं लगा देना है, कौन से लोग हैं जिनके ऊपर लागू नहीं होता। सो भैया ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए समझने वाला वो है 192 सैलरी के ऊपर ये लागू नहीं होता। सबसे पहला तो है कि NRI नॉन रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होता, नॉन रेसिडेंट के ऊपर तो लागू होते नहीं है। उसके अलावा जो हमारे मतलब की समझने वाली चीज है वो 192 सैलरी वाले केस में लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी आपको दिए हुए हैं या पढ़ लेना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपके लिए नहीं है, फर्स्ट वन आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट था तो मैंने आपको बता दिया। पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब सर बात आती है कि अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है दोनों का, सेलर और बायर का, तो कौन सा सेक्शन लगाऊं, TDS लगाऊं या TCS लगाऊं। दूसरी बात आती है कि सर ये जो आपने बातें बताई 206AB या 206CCA ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है भाई साहब, कौन जाके चेक करेगा कि किस पैन कार्ड पे रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई है, या कैसे चेक करेंगे कि भाई साहब उसका 50,000 से ज्यादा का इन 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर TDS जो है या TCS डिडक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो बड़ी दिक्कत का घर है, किस किस से 26 ईयर्स लेंगे, किस किस को यूटिलिटी पे जाके चेक करेंगे।
तो भैया इसका सबसे बढ़िया सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप डेक्लेरेशन ले लो। क्या ले लो भैया? डेक्लेरेशन ले लो कि भाई साहब आप इन कंडीशन के ऊपर ठप्पा लगा के हमें दे दो। तो वो डेक्लेरेशन आप कैसे लोगे? आपको कुछ चेक नहीं करना ना, टीडीएस आपको सोचना, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है कि मैं डिडक्ट करूँ कि सामने वाला डिडक्ट करेगा, पहले ही आपस में समझौता कर लो ना भाई। मान लो आपके पास दो फल पड़े हैं तो पहले समझौता कर लो भाई, लड़ाई झगड़ना, लड़ना झगड़ना नहीं है, ये दोनों फलों में से एक एक, या तो एक तू ले ले या एक मेरे को दे दे, या दोनों मेरे को दे दे, जो भी करना पहले ही कर लो, है ना। सो पहले ही कर लो भाई साहब। उसके लिए क्या है, पहले के लिए क्या होता है, डेक्लेरेशन फॉर्म हो जाता है। इस डेक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपकी सारी समस्या का हल है। तो ये डेक्लेरेशन फॉर्म को आप पढ़ लो भैया, और ये भी आपको मेरे पीडीएफ चैनल पे एज इट इज मिल जाएगा। तो ये है आपके सामने डेक्लेरेशन फॉर्म, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ले लेंगे मेरे भाई डेट, और ये अभी से आप इसको अपनी पार्टीज को भेज दो, टू योर कंपनी नेम, इसमें आपका कंपनी का नाम आएगा। मतलब आप डेक्लेरेशन ले रहे हो सामने वाले से, आप ले रहे हो, मान लो आप सेलर हो, आप सेलर हो, आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और जिस पार्टी से आप डेक्लेरेशन चाह रहे हो उस पार्टी, वो पार्टी आपसे 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीदती है, और उसका टर्नओवर ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, सामने वाली पार्टी का 10 करोड़ से ज्यादा, वो आपसे 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल लेती है, इसका मतलब वो परचेस करती है, तो उस पर टीडीएस लग रहा है, आपके ऊपर टीसीएस लग रहा है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम होगा, और सामने वाला व्यक्ति अपने लेटर हेड के ऊपर निकाल के इसको ड्यूली साइंड करके स्टाम्प्ड करके आपको भेजेगा। उसमें लिखा क्या है समझो, सब्जेक्ट डिक्लेरेशन इन रिलेशन टू सेक्शन 194Q, पहली सॉल्यूशन, 206(1)(h) टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, दूसरी सॉल्यूशन, 206(ab) टीडीएस एट हायर रेट, तीसरा सॉल्यूशन, 206(cc), चौथा सॉल्यूशन, टीसीएस एट हायर रेट। तो सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, समझो इसके कॉलम को क्या क्या लिखा है। सबसे पहले वो लिखेगा वी कस्टमर नेम, अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, अपना पैन नंबर, मेक दी फॉलोइंग डिक्लेरेशन, भाई साहब इन इन चीजों पर अपनी सहमति दे रहा है, क्लियरली घोषणा कर रहा है, डिक्लेरेशन माने घोषणा कर रहा है अपनी, क्या घोषणा कर रहा है, नंबर वन दैट वी हैव फाइल्ड और नॉट फाइल्ड, अगर फाइल्ड किया तो लिखेगा फाइल्ड, नॉट फाइल्ड लिखिए तो नॉट फाइल्ड लिखेगा, कि भाई साहब मैंने अपनी रिटर्न को फाइल करा या नहीं करा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लोगे। अगर नहीं फाइल करा है तो चेप दो उसके ऊपर 206(ab) और CCA जो भी लग रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे मीट आउट होगी कि भैया उसने अपनी रिटर्न को फाइल करा या नहीं करा, वो लिख के दे रहा है, लिख के देगा। अगर उसने फाइल करा है तो यहाँ पे लिख के देगा 19-20 का डेट ऑफ फाइलिंग और अपना एक्नोलेजमेंट नंबर, यहाँ पे 18-19 का डेट ऑफ फाइलिंग और यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर, 20-21 का अगर फाइलिंग कर दिया है तो लिख देगा, नहीं तो अभी इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुआ तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड डिक्लेरेशन आप ले लोगे, सेकंड डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, कि 50,000 से ज्यादा, यार कौन देखेगा 26 AS को, कौन देखेगा 26 AS को बार बार, मुझे अभी बता दे मेरे भाई कि तेरा पिछले 2 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट या डिडक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा सॉल्यूशन मिल गया सर, बहुत लड़ाई हो रही है यूट्यूब पे इसको लेके कि भाई साहब कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सॉल्यूशन सिंपल था भाई साहब, 2 पेज का लेटर है, भेज दो पार्टी को मेल के ऊपर, वो अपना ठप्पा और स्टाम्प पेपर और हेड अपना लेटर हेड के ऊपर निकाल के आपको दे देगी, काम खत्म, आप भी टेंशन फ्री, वो भी टेंशन फ्री। तीसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, एज पर सेक्शन 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एनी पर्सन बींग अ बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन प्रीवियस ईयर। भाई साहब कह रहा है कि अगर टीडीएस का सेक्शन आ गया 194Q, जो ये कहता है भाई साहब कोई भी ऐसा परचेजर जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीद रहा है और उसका खुद का टर्न ओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो वो 0.1% के हिसाब से टीडीएस को कलेक्ट करेगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम ऑफ द अकाउंट ऑफ द सेलर और द पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड व्हिच एवर इज अर्लियर डिडक्टेड। आपको पता है 194Q या टीडीएस के जितने सेक्शन होते हैं, क्रेडिट या पेमेंट जो अर्लियर होता है उसी के हिसाब से होते हैं, ये आपको पता है। तो इस पे आप डिक्लेरेशन क्या लोगे, इस पे डिक्लेरेशन कुछ आप ऐसे लोगे, ये कॉलम बनाओगे, कॉलम नंबर वन, उसमें पहले वो सहमति देगा, आर टोटल सेल ग्रॉस रिसीप्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर ज्यादा है, इसमें करवाओ उससे यस या नो, अगर नो है तो चेक कर ही खत्म, अगर उसने लिख दिया नो तो फिर काम ही खत्म, फिर तो आप ही टीसीएस को कलेक्ट करोगे। अगर वो करता है यस तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, सीन्स आंसर टू सीरियल नंबर वन इज यस वी विल डिडक्ट टीडीएस, आप इससे सहमति ले रहे हो कि भैया तू ही काटेगा, वी विल कौन है यहाँ पे, वी कौन है जो आपको दे रहा है, जो आपको ये लेटर हेड पे डिक्लेरेशन दे रहा है वो वी है यहाँ पर, वी विल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एट 8.1%। अगर वो अपने डिक्लेरेशन दे देगा तो आपकी काम खत्म, आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसने डिक्लेरेशन दे दी और वो जो है 0.1 के हिसाब से टीडीएस काटेगा क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है,
और आपने यहाँ पे सहमति दूसरी ले ली कि तू 50 लाख रुपए से ज्यादा काम से माल ले रहा है तो टीडीएस काट तू हमारा, काम खत्म भाई साहब। और साथ में उसका ले लो 10 नंबर, पता चले कि फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हो वो है ही नहीं टीडीएस के दायरे में, उस पर 10 नंबर ही नहीं अपना, तो यहाँ पे ले लो उसका 10 नंबर। ठीक है, टीडीएस के दायरे में कौन आता है ये मैं आपको, मेरी टीडीएस वाली प्लेलिस्ट है उसमें सारा कुछ बता चुका हूँ। अब सुनो, एक लाइन और डाल दो यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ डिक्लेरेशन बाय द अफोरसेड डेट देन वी वुड कंसंट्रेट टू कलेक्ट टीसीएस एट पर हायर रेट प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। भाई साहब अगर नहीं दी डिक्लेरेशन तो 206 डबल सी ए लगाते हुए तो उससे डबल ले लूंगा मैं टीसीएस या टीडीएस का पैसा, समझ रहे हो, तो ये आप ले लोगे वहां से। उसके बाद में चौथा एक और अपना पत्ता साफ कर लोगे जिससे आपको टेंशन ना हो कि भैया दैट वी विल इंडेमनीफाई कंपनी ने माजागा फॉर एनी लॉस। मतलब आप यहाँ पे दे रहे हो कि भाई अगर तूने कोई गलत डिक्लेरेशन दी या कुछ भी गलती की तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तू खुद जिम्मेदार होगा, उसकी क्षतिपूर्ति तो खुद करेगा, सब कुछ तेरा। तो डिक्लेरेशन पे आप सब कुछ ले लोगे तो आपकी चारों चीजों का सोल्यूशन आपको मिल गया। उसके बाद भाई साहब कस्टमर का नाम, ऑथराइज सिग्नेचरी, नेम, डेजिग्नेशन, डेट, ये सारी चीजें आप ले लोगे। ये एज इट इज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मेन जो मुद्दे की बात थी मेरे भाई वो ये थी कि सर, हाँ जी, कि सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए थे कि सेलर और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो सबसे सिंपल डिक्लेरेशन ले लो, बल्कि इन चारों चीजों के ऊपर आप अपनी डिक्लेरेशन सामने वाले से ले लो तो आपकी छुट्टी 1 जुलाई से पहले उससे ले लो ये सारा कुछ। 194Q TDS on purchase of goods, 206AB TDS at higher rate, 206C1H TCS on sale of goods, 206CCA TCS at higher rate, चारों ही केस में declaration जरूरी है, नहीं तो पगला जाओगे देखते देखते। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।